हाय गाइस, दिस इज मुनीब अली। लास्ट टाइम हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने बच्चों से उनके पेरेंट्स को आई लव यू बुलवाया था, तो इस बार हमने आप लोगों की फरमाइश पे पेरेंट्स से उनके बच्चों को आई लव यू बुलवाया है। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे एक मिनट है आपके पास? जी बोले, हुकुम करें। आप ये बताएं कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पांच बच्चे। पांच बच्चे हैं, कभी उनको आई लव यू बोला आपने? कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? चार। चार बच्चे हैं, किसी भी एक को आपने कॉल पे लानी है और उसको बोलना है बेटा आई लव यू सो मच। बेटी को नहीं बोला मैंने। बेटी को ही करे मेरे, पर वो करता नहीं हूँ। अच्छा, फिट है ना? रिजर्व रहता हूँ। रिजर्व रहते हैं? हाँ, मैं समझ गया अंकल, वो खड़ूस टाइप का। खड़ूस नहीं, फिर भी वो एक रिस्पेक्ट का लेवल होता है ना। एक सर सबसे लाडले को करे, बड़ा बेटे को ना। ये क्यों होता है आंटी, ये बड़े बेटे लाडले क्यों होते हैं? क्योंकि मेरा तो एक ही बेटा है, बड़ा बेटा है। अच्छा अच्छा सर, कम लाडले ज्यादा लाडले क्यों होते हैं अंकल? नहीं पता, ऐसे आखिरी होते, आखिरी था वो माशाल्लाह। ये आखिरी? हाँ माशाल्लाह। नहीं, मैं अपने मतलब माँ बाप का आखिरी, मैं तो नहीं लाडला इतना। जी नहीं, अपने बड़े बेटे को। ओह अब आ गया। नहीं वही माशाल्लाह आफिज है। अच्छा, यही है दुकान। बस मेरे लिए भी दुआ करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आहद, I love you my son. I love you my son. कैसा लग रहा है आपको? जबरदस्त। आहद माशाल्लाह बहुत ही नेक बच्चा है आपका सर, इससे पता। हेलो हेलो, अपनी जुबान में बोलूं या? नहीं नहीं, उर्दू। I love you. I love you. अच्छा, कोई तो होगा भाई वगैरह घर में? मियाँ बीवी हम दोनों। आप मियाँ बीवी? अच्छा चले, आप भाभी तो है ना? जी जी। आपने भाभी को कॉल मिलानी है? जी जी। और उनको बोलना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, स्पीकर पे अभी सही है? ठीक। क्या हुआ? कुछ नहीं, जैसे आई लव यू। आई लव यू टू। क्यों खेल? टू बोल दिया, बस बोल दिया, बस सही है। ओके चलो ठीक है, अल्लाह ठीक है। नहीं कुछ नहीं है, चलो ठीक है, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मतलब ये बेटा आई लव यू। आई लव यू यार, सो नाइस ऑफ यू यार, सो नाइस ऑफ यू। हारिस, हेलो हारिस, मैं मुनीब बात कर रहा हूं डम टीवी पे। एक बात करनी है, मैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू। माशाल्लाह इंटर में पढ़ता है और ये इसकी उम्र 14 साल है। माशाल्लाह इंटर में। हेलो हेलो हेलो, हाँ बेटा आई लव यू, आई लव यू। ओके थैंक यू बेटा, बाय। कैसा लग रहा है आपको, खुद बताइएगा। कभी इससे पहले बोला तो फोन करके? इससे पहले कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला है। अच्छा लग रहा है ना आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। सर वीडियो बनाने का हमारा मकसद ही यही है। हाँ बेटा क्या हाल है? ठीक है। हाँ यहाँ कुछ ऐड चल रही है, वो एक चल रहा है लव यू। हाँ बेटा कैसे हो? हाँ बस बस बस, आई लव यू। हाँ अच्छा, बाद में बताऊंगा, अभी बस ये कर ली ऐड, बस सही है। उसे बोल दिया ना? जी बेटा, बेटा अब वो बोल रहा, आई लव यू। ठीक। अच्छा अभी टीवी वाले को इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा नहीं, चल ऐसे ही वाह, ऐसे ही बेटा, कैसे मोहब्बत, आई लव यू बेटा। ठीक है, एक मिनट, आई लव यू बोलना है। हेलो जी बेटा। हेलो खिजर, आई लव यू सो मच। क्या हुआ खिजर? आई लव यू। बहुत समझदार है आपका बेटा, कितना अच्छा लग रहा है सर, बताइए। अच्छा लग रहा है ना? हम तो काफी बार नहीं बोल पाते ना अपने पेरेंट्स को या अपनी औलादों को, हालांकि वो कितने करीब होते हैं। बहुत करीब, बहुत करीब ना, उन्हीं के लिए तो सब करते हैं हम लोग। भाई माँ बाप का अगर बच्चा समझ ले कि माँ बाप क्या चीज है, सही बात है सर, तो उसका बेड़ा ही पार है भाई। बहुत बड़ी नेमत है, बड़ी सर, सही बात में। अल्लाह आपके और अल्लाह पाक नेक औलाद दे दे, इससे बड़ी नेमत सब कह जा रही है, इसके लिए और कुछ भी नहीं है। सही बात है। और अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है, करोड़ों करोड़ों आपके बेटे ने फौरन आई लव यू टू बोला, इससे पता चलता था। सो नाइस ऑफ यू सर।
अब एक बात बताइएगा, आज तक आपने नहीं बोला था ना आई लव यू? नहीं नहीं बोला था। आज कैसा लग रहा है, सही बताइएगा। फीलिंग्स होती है ना यार, ऐसा तो नहीं है ना, जैसे मैं दरअसल औलाद इंपॉर्टेंट है, औलाद के लिए भी आप मां बाप कितने इंपॉर्टेंट है, वो तो है, वो भी फील करते होंगे जरूर बच्चे, मगर मैं रिजर्व रहता हूँ अपने फैमिली में। आज आपने रिजर्व का पारा आदरणीय सा हटा दिया, इससे पता चलता है सर आप कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से। और मैं आपके बेटे की तरफ से बोलता हूँ सर, आई लव यू 2 3 4। थैंक यू सर। हेलो जी, बोलिए बोलिए। मिसेस को बोल रहे हैं। क्या मिसेस को बोल रहे हैं? भाई बात करना था थोड़ा सा। बोले हाँ हाँ आवाज आ रही है। ओके ओके, आई लव यू। बोलो आई लव यू टू। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। शाम में आऊँगा इंशाल्लाह। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। बोले बोले जो बोलना है आपने बोला। नहीं कोई खास बात तो करनी नहीं, बहुत खास बात बोलनी है, वही इनको अच्छा। बोलते हैं जो खास बात है ना, इन्हीं को बोलते हैं। अच्छा क्या? बोले बोले आ, नहीं नहीं बस क्या बोलूँ, आई लव यू सो मच। बोलो नहीं नहीं, मैं तो आया था लिबर्टी। हाँ लिबर्टी आया था तो एक बंदा मिला, तो उसने क्या कहा कहने को? बोला आई लव यू। बोलो ठीक है। हाँ चलिए भाई, चलिए उनसे बोले ना आई लव यू टू। बोले बस सही है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ कोई मसला नहीं। बहुत अच्छा लगा आप दोनों में इतना प्यार देख के, अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रहे और चांद जैसी औलाद दे दे मेरे भाई, जो हमेशा आपका ख्याल रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको भी। बोला कितने अरसे बात बोला, सच बताइएगा? दो महीने बाद तो एक दो। अच्छा अभी रिसेंटली भी बोला, ईद गुजरी है ना, कोई मसला नहीं। लेकिन अच्छा है ना, हमें भी कभी ना कभी अपनी औलाद को, चाहे बीवी बच्चों जो भी हमारे हैं या पेरेंट्स हैं, उनको आई लव यू एक बार तो बोल देना चाहिए, है ना, ताकि उनको भी एहसास हो गया हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। चलिए कैमरे में देखिए और बोले, बेटा मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। बेटा मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। नाम ले लेके बोले, अबरार एंड अब्दाल। अबरार एंड अब्दाल, अब्दाल एंड अबरार, आई लव यू। आई लव यार, बस बहुत अच्छी बात। अच्छा कैमरे में ही देख के बोल दें कि बेटा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बच्ची मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। किंजा आशिर। अच्छा माशाल्लाह, किंजा और आशिर क्या कह रहे हैं पापा आप बोल रहे हैं? आई लव यू। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत मजा आया मुझे आज ये वीडियो करने में, और आज मैं एक बात तो सीख गया कि पेरेंट्स कभी नहीं हिचकिचाते अपने बच्चों से अपने प्यार का इजहार करने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको इस वीडियो को थर्ड पार्ट चाहिए तो, और इसके साथ साथ हमारे चैनल टर्म टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें।